माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे मुंबई में बीएमसी के द्वारा बनाए जा रहे बो स्ट्रिंग ब्रिज के बारे में। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बो स्ट्रिंग ब्रिज के निर्माण को लेकर प्लानिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि ये बो स्ट्रिंग ब्रिज मुंबई के 10.58 किलोमीटर मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ेगी। मुंबई में ट्रैफिक जैम की स्थिति को सुधारने के मकसद से बीएमसी ने ये मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को शुरू किया है ताकि वहां के नागरिकों को आवागमन करने में कम वक्त जाया हो सके। बताया जा रहा है कि ये हाई स्पीड रोड प्रोजेक्ट प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू होगा जो कि मरीन ड्राइव के नज़दीक है, जबकि ये बांद्रा वर्ली सीलिंग पर जाकर खत्म होगा। हालांकि ये बो स्ट्रिंग ब्रिज के निर्माण को लेकर जो निर्णय लिया गया है वो कहीं ना कहीं वहां के लोकल मछुआरों के प्रदर्शन की वजह रही थी। आपको बता दें, इससे पहले इस रूट में पिलर युक्त ब्रिज के निर्माण को लेकर प्लानिंग चल रही थी, लेकिन इसे लेकर वहाँ के स्थानीय मछुआरों के दल ने जबरदस्त हंगामा किया था, जहां उनकी ये दलील थी कि इस ब्रिज के दोनों पिलर के बीच का गैप काफी कम है, जिससे उनके बोट्स को हाई टाइड्स के समय खतरा हो सकता है। और इसके अलावा ये सभी पिलर्स उनके रोजमर्रा की जिंदगी को भी काफी हद तक नकारात्मक तौर पर प्रभावित करेंगे। हालांकि मछुआरों की मांग ये थी कि इस ब्रिज के दो पिलर की बीच की दूरी 200 मीटर रखी जाए, जबकि बीएमसी ने दो पिलर की दूरी 60 मीटर तय किया था। हालांकि इस मामले की गहमा गहमी को बढ़ते देख वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जनवरी में ये निर्णय लिया था कि वो दो पिलर की दूरी को बढ़ाकर 120 मीटर तक करेंगे। इन सभी के बीच अंततः बीएमसी ने ये निर्णय लिया है कि पिलर युक्त ब्रिज के जगह उसी रूट में बो स्ट्रिंग ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, ताकि मछुआरों की रोजमर्रा की जिंदगी किसी भी स्तर पर प्रभावित ना हो सके। इस प्रोजेक्ट से जुड़े आधिकारिक अफसरों का कहना है कि बो स्ट्रिंग ब्रिज के निर्माण को लेकर मंजूरी इसलिए भी मिली है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का अतिरिक्त पाइलिंग करने की जरूरत नहीं है, और साथ ही ये ब्रिज हर स्तर पर मजबूत और टिकाऊ माना जा रहा है। बता दें कि ये ब्रिज हाई टेंशन कॉर्ड के साथ लैस होगा। हालांकि इस तरीके की डिजाइनिंग केवल छोटे ब्रिज के ऊपर की जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार का पिलर मौजूद नहीं होता है। बीएमसी के द्वारा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने को लेकर नवंबर 2023 का टारगेट रखा गया है, जबकि इसके डिजाइनिंग में कई मर्तबा बदलाव होने के कारण ये डेडलाइन मई 2024 तक बढ़ाया जा सकता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।